वेलकम है गाइस, आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे और अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। रिसेंट में बहुत स्टूडेंट है जो यूके आए हैं। अपना मोटिव देखो, इंडिया से निकलना मत रखो। मैंने आपको कितनी बार बोला है, इंडिया से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। वीजा मिल जाता है अगर आपकी फाइलिंग अच्छी हुई है, एप्लीकेशन आपने सही करी हुई है, सब कुछ आपका ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन सही है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सही है, डिग्री सही है, तो वीजा आना यूके का कोई बड़ी बात नहीं है। आपको दूसरी कंट्रीज में डर लगता है कि मेरी रिफ्यूजल आ जाएगी, ये हो जाएगा। भाई अभी क्या हुआ है रिसेंट में, मैं जो बात करना चाहता हूँ आपके साथ, यूके एंटर हो गए हैं स्टूडेंट बट डिपोर्ट भी हुए हैं कुछ। मैं स्टूडेंट्स की आपको एग्जांपल, अभी 2 दिन पहले एक लड़के ने सेशन बुक करा कि पाजी मेरे को ऐसे विड्रॉ का मेल आ गया कि योर वीजा हैज बीन विड्रॉ, आपके पास 60 दिन का टाइम है, आप कंट्री लीव करो। तो मैंने उस भाई को बोला, भाई आप देखो क्या कर सकते हो, आपको वापस जाना पड़ेगा इस कंट्री में। अगर आप रहते भी हो इलीगल तो वो आपको पकड़ के डिपोर्ट कर देंगे। दे विल ट्रैक योर लोकेशन, आप कहीं भी चले जाओ यूके में, वो आपकी लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। वो करेंगे अगर रिपोर्ट तो वो आपको ज्यादा उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इस पे बैन लगाएंगे, ठप्पा लगाएंगे अगर यूके आपको डिपोर्ट करके भेजता है ना। मैं रीजन भी बताऊंगा, बहुत छोटे छोटे रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट डिपोर्ट हो रहे हैं। आपको पता नहीं, यहाँ हो सकता है मेरी वीडियोज नहीं देखते, क्योंकि मैंने सब आपको बताया हुआ है कि आप यूके आते हो तो इन सब चीजों का ध्यान रखना, अदरवाइज रिपोर्ट हो जाओगे। मैंने अपने वीडियोस में सब आपको क्लियर बताया हुआ है। अब वो स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखा होगा या कुछ इश्यू उसके काउंसलर ने, उसके एजेंट ने नहीं बताया होगा, और जब उसके साथ ये हो गया तो वो मेरे साथ सेशन बुक करके एडवाइस मांग रहा है कि पाजी आप बताओ, मेरी हेल्प करो, मैं किसी सोलिसिटर से बात करूं, इससे बात करूं। तो भाई अब तो चिड़िया चुग गई, खेत वाला काम हो गया, अभी कुछ नहीं हो पाएगा। अगर किसी को भी ऐसा ईमेल आ जाता है ना यूकेबीआई से, कोई रीजन होगा आपका तो कुछ भी हो जाता है ना ऐसे, तो आपके पास 60 दिन का टाइम आपको देती है एम्बेसी, तो उसमें सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप तो या तो वापस चले जाओ इंडिया, क्योंकि अगर आपने 60 दिन से ऊपर कर दिया ना तो आपको वो बैन लगा देंगे, आपके पासपोर्ट वगैरह आप कहीं के नहीं रहोगे। और भी कंट्रीज है, फिर आपका वहां जाना मुश्किल हो जाएगा, आपको दूसरी कंट्रीज अगर आपने इलीगल टाइम स्पेंड कर लिया यूके में। अब ये हो क्यों रहा है ऐसे, उसकी हम बात करेंगे। उस पे आने से पहले जनवरी इनटेक भाई ओपन हो चुका है। जनवरी इनटेक की एप्लीकेशन मैं 10 तारीख 11 तारीख से स्टार्ट कर दूंगा सबमिट करना। तो अभी अगर आप इंटरेस्टेड हो, एप्लीकेशन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, उस पे जाके भाई अपने डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करना। और एक चीज का ध्यान रखो, आप सोच रहे हो कि अभी हमने आईलेट्स पीटी देना है, तो मैं बोलूंगा आप पहले दे दो, क्योंकि जिनका ज्यादा गैप होता है ना स्टडी में, तो यूनिवर्सिटी उनको ना फिर एप्लीकेशन करेंगे। सपोज करो किसी की मैंने एप्लीकेशन वूस्टर में या लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में कर दी, उसका भी आईलेट्स नहीं आया बट उसका गैप भी बहुत ज्यादा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, भाई यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देगी ना, तो आप उस इनटेक में दोबारा से उसमें नहीं अप्लाई कर पाओगे, चाहे आपका आईलेट्स भी आ जाए। जो फ्रेशर होते हैं ना स्टूडेंट, जिनका 2-3 साल का गैप होता है, उनका कंडीशन ऑफर लेटर निकल जाता है, यूनिवर्सिटी दे देती है, और ऐसा पीछे काफी स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, उनका फिर इनटेक खराब हुआ है। तो बेहतर यही है कि आप किसी और एजेंट के चक्कर में मत पड़ना कि आपको बोले हम करवा देते हैं, भाई आपका इंटेक खराब कर देंगे। मेरे पास ऐसे बहुत केस आते हैं, उनका नहीं होता फिर वो बाद में बताते हैं ऐसे ऐसे हुआ था। तो थोड़ा सा अपना देख के चलो, ज्यादा रश मत करो। अभी अक्टूबर 15 मतलब अभी अक्टूबर का सारा महीना ना रहेगा आपके पास। आप सोचोगे फिर तो हमारे पास 2 महीने रह जाएंगे, नवंबर दिसंबर, तो भाई 2 महीने की क्या दिक्कत है, आप अपने फंड्स अभी से डाल के रख दो ना। आपको पता है 28 दिन पुराने फंड शो करने हैं। इनर लंदन में 13 लाख बोलता हूँ मैं, आउटर लंदन में आपको 10 लाख बोलता हूँ। 1 लाख एक्स्ट्रा डाल के रखते ना, पाउंड रेट आपको पता है आग लगी हुई है, कैसे पाउंड रेट इतना बढ़ गया है, 110 111 चल रहा है। तो अभी वैसे उम्मीद है कि थोड़ा कूल डाउन होना चाहिए। इस हर साल ना मतलब इस महीने में पाउंड रेट बढ़ता ही बढ़ता है, अगस्त सेप्टेम्बर के टाइम पे। बाकी फिर भी एक्स्ट्रा रखना, फंड्स अगर रख दोगे ना डाल के, तो आपका वो टाइम सेव हो जाएगा, आपको 28 दिन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। सारा प्रोसेस यूके का लिटरली बता रहा हूँ, 1.5 महीने में हो जाता है सारा प्रोसेस। मेरे को ऐसे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे कांटेक्ट करा, बट उनके फंड्स रेडी थे, साथ के साथ ऑफर लेटर आया, उन्होंने फीस भरी, कैश लेटर आया, तो 1.5 महीने में सारा प्रोसेस यूके का हो जाता है, बहुत फास्ट है अगर आपके फंड्स रेडी होंगे, वो टाइम सेव हो जाता है आपके 1 महीने का। तो आप देख लेना डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म, बाकी इंस्टा पे फॉलो कर लो जाके। फॉलो नहीं भी करना तो कभी कभी इंस्टा पे जाके नजर मार दिया करो, स्टेटस वगैरह कुछ भी आप चेक कर लिया करो, मैं डालता रहता हूँ कुछ ना कुछ, जो भी यूके की अपडेट होती है और जो भी कंट्री में चल रहा है। मेरा प्लान है कि मैं सोच रहा हूँ एक आधी वीडियो ऐसी बना दूं कि यूके में जो भी सेफेस्ट टाउन है ना रहने के लिए, जो बढ़िया प्लेसेस हैं, सिटीज तो सबको पता है, लंदन, बर्मिंगम, कोवेंट्री, मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, लीड्स, ये सब सिटीज हैं, सबको पता है। बट यूके में एक प्यारे प्यारे टाउन्स भी हैं जो डेवलप भी हैं, जहाँ पे काम भी मिलता है। तो टाउन में जैसे वूस्टर की एग्जाम्पल ले लूँ, और भी बहुत प्यारे प्यारे टाउन है,
अकेला बूस्टर ही नहीं, बहुत प्यारे प्यारे बहुत बढ़िया टाउन है जो डेवलप भी है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है, काम भी है, और रहने के लिए सेफेस्ट प्लेस है, लाइक गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, सबके लिए, फैमिली के लिए बहुत सेफ है एज कम्पेयर टू मेट्रोपॉलिटन सिटी। अगर तो आप भाई इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि पाजी हाँ एक वीडियो चाहिए उसके बारे में, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, नहीं जानना चाहते, आपने उधर ही जाना है बर्मिंगम, कोवेंट्री, लंदन में, तो ऑब्वियस आप जाओ फिर। तो अगर आप इंटरेस्टेड होगी कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं कि डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है। भाई पहली बात, यूके में जो भी स्टूडेंट आ रहा है ना, आप पता है अपनी यूनिवर्सिटी, सपोज करो किसी की यूनिवर्सिटी बर्मिंगम में है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एक जस्ट बर्मिंगम में है आपकी यूनिवर्सिटी, तो आपने उनको एड्रेस कौन सा देना है? यूनिवर्सिटी आपसे एड्रेस मांगेगी रजिस्ट्रेशन के टाइम, एनरोलमेंट के टाइम पे आपको वो फिल करना होता है। गलती से भी अपना एड्रेस ना कोवेंट्री का, लाइस्टर का, वूस्टर, किसी और सिटी का मत दे देना भाई, ये कौन आपको समझाएगा? देखो आपको एजेंट वीजा लगा के भेज देता है, ठीक है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान कर लो। ये बहुत, अभी यूनिवर्सिटी ना पहले जैसी नहीं रही है, यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। इनको पता है कि आप लोग भी पैसा कमाने आते हो, काम करने आते हो, यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात ने तो रेपो खराब कर दी है, इतनी रेपुटेशन खराब कर दी है कुछ यूनिवर्सिटीज ने, तो भाई पंजाब, हरियाणा, गुजरात को बैन ही कर रखा है कुछ यूनिवर्सिटीज ने। ये सब अपनी गलती है। तो कभी भी आते हो तो यूनिवर्सिटी एड्रेस उसी, चाहे किसी दोस्त का दे दो, वो कौन सा देखने आ रहे हैं आपको पीछे पीछे, समझ रहे हो? आप यूनिवर्सिटी तो विजिट करो, किसी को पैसे दे देना, भाई ये ले 50 पाउंड तो ले ले, बस मेरे को तेरा एड्रेस चाहिए, उस यूनिवर्सिटी को ही देना है मैंने। अगर वो नहीं देता तो पैसे का लालच दे दो, पैसे किसको नहीं चाहिए? आप यूनिवर्सिटी विजिट करोगे ना, आपको बैच में स्टूडेंट मिल जाएंगे जो लोकल रह रहे होंगे, किसी से बात कर लो, नंबर ले लो, एड्रेस ले लो, कोई पीछे आपको चेक करने नहीं आ रहा कि आप वहां रहते हो नहीं रहते हो। माना कि आपके कोई रिश्तेदार हैं वो कोवेंट्री में है या किसी और सिटी में है, तो आप अप डाउन करना चाहते हो, दैट्स ओके। आपकी जॉब है दूसरी सिटी में, आप अप डाउन करना चाहते हो, क्लासेस भी लगाओगे, मुझे पता है पढ़ने आए हो इतने पैसे दे के, बट यूनिवर्सिटी को जो एड्रेस आपने देना ना वो ध्यान रखना, क्योंकि इसके चक्कर में ना एड्रेस दिया हुआ था दूजा, दूसरा एड्रेस दे दिया यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी से मेल आ गया कि हम आपका वीजा विड्रॉ कर रहे हैं, अदरवाइज आप दूसरी सिटी में हो। इसके चक्कर में मेल आया, अभी वो मान भी नहीं रहे, कह रहे कि आप दूसरी सिटी में क्यों रहना चाहते हो जब आपकी यूनिवर्सिटी इधर, आपने अकोमोडेशन क्यों नहीं ली, यूनिवर्सिटी इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है। ये सब मैंने आपको बताया, फिर भी वही गलती है ना, पता नहीं वीडियो नहीं देखते हो आप पूरी, या हो सकता है आपको कौन बताता है, एजेंट आपका क्या बताता है, मुझे नहीं पता। मेरे तो जितने स्टूडेंट आते हैं मैंने सबको प्रिपेयर कर रखा है, सबको बताया हुआ कि आप ट्राई करो अकोमोडेशन उधर की देनी। तो ये पहला रीजन है जो रिपोर्ट किया जा रहा है स्टूडेंट का वीजा कैंसिल। भाई यूनिवर्सिटी तो छोड़ती नहीं है, इतने चक्कर में मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है इस टाइम पे यूनिवर्सिटी। अभी हम बात करेंगे जो स्टूडेंट यहाँ पे यूके आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये ना, आपको लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम 5-10 दिन लेट भी हो जाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है, ऐसा भी स्टूडेंट के साथ हुआ है। सिर्फ आप मानोगे, उसने फीस उसकी नेक्स्ट सेमेस्टर की ड्यू थी, एक स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ, उसने मेरे साथ सेशन बुक करा, उसने भी अपनी स्टोरी बताई थी, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में था, उसकी 22 और 21 जून या जुलाई उसने डेट बताई थी, तो जुलाई थी आई थिंक, तो वो उसका ड्यू था फीस, भाई साहब उसने 25 तारीख को पे करी, इतने मतलब गाली निकलती है। उन्होंने उसको वीजा विड्रॉ का मेल डाल दिया कि हम यूके वी आई पे इन्फॉर्म कर रहे हैं, जबकि उसने फीस भी पे कर दी है कि आप लेट हो गए हो जो ड्यू डेट था। भाई इतना भी एडजस्ट नहीं कर रहे। कुछ यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताया ना, यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत तंग करती हैं, तो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से भी बचो, नहीं तो मेरे से बात कर लो, आप पूछ लो कि बाजी ये यूनिवर्सिटी कैसी है, मैं बता देता हूँ आपको। कोवेंट्री तो वैसे ही बदनाम हो रखी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये लोग तो, इनको पता है स्टूडेंट आने ही आने हैं, हमारी कंट्री यूनिवर्सिटी आने ही आने हैं, स्टूडेंट की कमी नहीं है इनको, तो इनके भी भाव बढ़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे मतलब कुछ अपनी भी गलतियां हैं, अगर आपको पता है ये सब चीजें यूनिवर्सिटी कर सकती है, पहले से प्रिपेयर रहो। और इंडिया से जितने भी अभी स्टूडेंट आ रहे हैं ना यूके, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आना, हार्ड कॉपी कैरी बैग में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऐसा नहीं है कि बस हो गया वीजा आ गया तो अब कुछ नहीं होगा। एक महापुरुष को, मुझे एक स्टूडेंट ने दूसरे का बताया कि ऐसे ऐसे, उसका भी फ्रेंड था, फेक डिग्री वाला सीन था उसका, उसको यूके एयरपोर्ट इमिग्रेशन से वापस भेजा। तो ये हो रहा है भाई, ऐसे हो रहा है, मजाक नहीं है, कोई मजाक मत समझो। इलीगल इमिग्रेंट्स तो पहले ही कंट्री में बहुत ज्यादा, कंट्री और नहीं चाहती कि ऐसे काम हो, इसीलिए तो इन्होंने बैन करा है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं लेती हैं। कोई है पंजाब, हरियाणा, गुजरात का स्टूडेंट, तो एडमिशन लेके दिखाओ यूनिवर्सिटी और बूस्टर में, मान जाऊंगा मैं आपको। अगर आपने पंजाब, हरियाणा, गुजरात से स्टडी करी है तो यूनिवर्सिटी ऑफ बूस्टर वन ऑफ द रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, टाउन में है,
बर्मिंघम के पास। मैं खुद लकी हूँ, मतलब मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी समझता हूँ कि मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री करने का चांस मिला, रहने का मौका मिला। सिटी भी बहुत प्यारी है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात के ज्यादातर यूनिवर्सिटी और फीस लंदन भी नहीं ले रही है अभी इस टाइम पे, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रखे हैं। तो आप उसमें लेकर दिखाओ एडमिशन, नहीं ले रहे, अपनी गलती है। अब एक और बात यहाँ पे बता दो, डिलीवरी की जॉब मत कर लेना। डिलीवरी मतलब मैं कह रहा हूँ जो लीगल वे में, NIN पे मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को। पिछले साल की बात है, इन्होंने 40 से 60 डिलीवरी ड्राइवर्स पकड़े थे जो इलीगल, मतलब उनका राइट ही नहीं है डिलीवरी जॉब करने का। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, उसको भी डिपोर्ट किया था उन्होंने। वो मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया भी था उसके बारे में, आपको याद, पता नहीं आपने याद है कि नहीं, काफी पुरानी बात है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। यूरोप में अलाउ है स्टूडेंट को डिलीवरी जॉब, यूके में स्टूडेंट को लीगल डिलीवरी जॉब नहीं अलाउ है। जो आप डिलीवरो कंपनी है, जस्ट ईट कंपनी है, उबर है, आप लीगल नहीं कर सकते। जिसके पास फुल टाइम राइट है, कोई डिपेंडेंट है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है आपके पास, स्किल्ड वर्कर वीजा है आपके पास, फुल राइट है वर्किंग, तब आप कर सकते हो, याद रखो। बाकी हाँ, डिलीवरी की और भी जॉब्स होती हैं भाई, कैश इन हैंड जॉब्स होती हैं। आप लाइसेंस लो गाड़ी का, अपना गाड़ी चलाओ उस पर, रेस्टोरेंट पे, कैश पे, वो काम आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो आपका एम्प्लॉयर संभाल लेता है, आप उससे सेटिंग करो अपनी, वो कर सकते हो। बट कंपनी के लिए आप काम करना लीगल पे, किसी और की आईडी में करना, ये भी स्टूडेंट को मैंने देखा है, किसी और पाजी, हम किसी और की आईडी पे काम कर लेते हैं, यहाँ कौन सा पता लगता है, कमीशन उसको दे देंगे 20% 25%। भाई वो सब चीजें ना अवॉइड करो, अभी आप आए हो, ये सब चीजें ना थोड़ा सा रहने दो। आप आए हो सीधा ही आपको वापस भेज देंगे पकड़ लिया, तो क्या करोगे आप? ऐसे काम मत करो जिसमें आपका फ्यूचर खराब हो जाए, इतने पैसे लगाकर आप आए हो। तो अपने ट्यूशन फीस का भी यूनिवर्सिटी से बात करते हो कि हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं या ये बल्क में पे करना पड़ेगा, ड्यू डेट वगैरह उनको पूछते रहो। ऐसा नहीं सोए मत रहो कि हाँ ड्यू डेट भी निकल गई, आपको पता ही नहीं फीस कब भरनी है। थोड़े एक्टिव रहो भाई, बाहर निकलो, बात करो यूनिवर्सिटी जाके, ना दोस्त बनाओ, ये सब चीजें। अटेंडेंस का ध्यान रखो, अटेंडेंस बहुत जरूरी है, वो पहले वाला जमाना गया। मुझे पता है हमारे टाइम में कोविड था तो वैसे भी अटेंडेंस का इतना इशू नहीं होता था, क्लासेस ऑनलाइन रहती थी, तो कुछ तो हम तो ऐसे थे ऑनलाइन लगा के छोड़ भी देते थे। तो नहीं, उस टाइम पे नहीं था भाई, इस टाइम पे बहुत ज्यादा ना स्ट्रिक्ट हो गई यूनिवर्सिटीज। मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ कि अगर ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखोगे ना, तो आप डिपोर्ट नहीं होगे। और ये एक बार एक्शन ले लेते हैं ना, इंडिया नहीं है कि आप हाथ पैर जोड़ोगे तो ये मान जाएंगे। इंडिया में हो जाता है कि हाँ गलती हो गई, ये हो गया, मिनते तरले कर लोगे, कुछ कर लोगे, किसी की सिफारिश लगा दोगे। भाई ये यूके है, ये ब्रिटिश कंट्री है, ब्रिटिशर्स है, इन्होंने एक बार आपको मेल डाल दिया ना कि योर वीजा हैज बीन कैंसल्ड और वी आर गोइंग टू विड्रॉ योर वीजा, यू हैव जस्ट 60 डेज लेफ्ट, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और आप भूल जाओ कि आपको 60 दिन में कोई स्पॉन्सरशिप भी दे देगा यूके में, और वो भी आपसे देखेगा कि हाँ आपको जरूरत है, 20 लाख 15 लाख इतने पैसे मांगेगा, और आप इतनी फीस देकर आए, फीस ना ही आपकी फीस भी रिफंड करेंगे यूनिवर्सिटी वाले। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ये मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ना आप अपने हर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट यूके का प्लान कर रहे हैं ना, जो आपके ग्रुप में बने हुए व्हाट्सएप ग्रुप है, यूनिवर्सिटी ग्रुप है, उसमें डाल दो कि अगला देख ले, उसको पता लग जाए कि ये चीजें होती हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।